अस्सलामुअलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने सवाल दिया था कल एक, कौन सा बता? हाँ जी, लेबर का जी लिमिटेड। तो फिर किया होगा, पढ़ा था, चले पढ़ लिया, अच्छी बात है। अगर किया है तो मसले भी आए होंगे। समझ नहीं आई? नहीं समझ आई सवाल की? अच्छा, किया किस किस ने है? सच्ची सच्ची। अच्छा अच्छा चलिए समझाता हूं। एक प्रोडक्ट ए की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये मैं बता रहा हूं, लेबर का क्वेश्चन मैंने 9 दिया था। अच्छा, किसी से सलूशन देखे बगैर हुआ भी है? किसी से नहीं सलूशन देखे बगैर हुआ ना यार? किसी एक इंसान से भी सलूशन देखे बगैर नहीं हुआ सवाल? आपको तो जीने का हक ही नहीं यार। अच्छा, सलूशन देखने के बाद समझ आ गया। चले समझाता हूं। प्रोडक्ट ए, जिन्होंने नहीं भी ट्राई किया चले वो भी सुन लें, कभी जिंदगी में पढ़ने का दिल कर ही जाएगा। प्रोडक्ट ए का डाटा दिया हुआ है। प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने के लिए 12 किलो मटीरियल लगता है, जो कि 2 रुपए पर किलो है। और अगली दो लाइनें जो है ना, उनका आपस में लिंक है कि एक वर्कर को 56 रुपए पर डे मिलते हैं और एक दिन में वो 8 घंटे काम करता है। पर आर पता चल सकता है? 7 रुपए डिवाइड कर दें, 7 रुपए आ गया। तो रेट पर आर 7 रुपए, 7 रुपए पर आर, 7 पूरे 7 रुपए। तो 7 रुपए पर आर, ये वेज का रेट निकल आया। लेबर एफिशिएंसी अभी इस वक्त 65% है और अभी एक यूनिट बनाने का जो टाइम लगता है वो 2.6 है। हैं? लगता है 2.6 नहीं, स्टैंडर्ड इतना टाइम लगना चाहिए, ये स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है। वेरिएबल ओवरहेड दिए हुए हैं 2 रुपए पर लेबर आर, फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए हैं 2% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, और साल में 25,000 यूनिट्स बनते हैं। इस टेबल, जिन्होंने भी सवाल ट्राई किया, चलो ट्राई ही किया बेशक, और ट्राई में ये भी शामिल था कि सवाल करने लगे थे, खोलने लगे थे, नहीं चले रहने दें, ये भी शामिल है ट्राई के अंदर। इस टेबल की अंग्रेजी में कोई जरा सी भी कंफ्यूजन है तो बताइए, जिन्होंने भी ट्राई भी किया बेटा, जिन्होंने कोई बात नहीं, इस टेबल की अंग्रेजी में कोई परेशानी तकलीफ? एवरेज वाली बात दोबारा बता देता हूं, एक वर्कर को दिन के 56 रुपीज मिलते हैं, ये लिखा हुआ है रुपीज 56 पर डे, और एक दिन में वर्कर 8 घंटे काम करता है, तो पर आर रेट निकल सकता है। पर आर रेट चाहिए क्यों? क्योंकि पर आर ही चाहिए होता है, हमें लेबर कॉस्ट पर आर ही चाहिए होता है। तो उसको 56 को 8 से डिवाइड किया तो पर आर रेट निकल आया। इधर से भी कोई आवाज थी सवाल? पहुंचता हूं, अभी पहला टेबल बताया मैंने। नीचे आवाज कम है? आवाज तो मैंने फुल की हुई है। लेकिन नीचे आवाज का स्पीकर से तो ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जी जनाब, टेबल, जिन्होंने भी किया ट्राई सवाल, टेबल में कुछ पूछना है
नहीं पूछना। इसके नीचे वाला पैराग्राफ, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ये वैसी वही लाइन है जो पहले भी एक दफा सवाल क्लास में किया था उसमें थी, मैनेजमेंट ने वर्कर से सजेशंस मांगी हैं और साथ ये भी अनाउंस किया कि जिस वर्कर की सजेशन अच्छी लगी उससे कंपनी को जो लेबर कॉस्ट में सेविंग्स हुई 3 महीने की सेविंग्स के बराबर उस वर्कर को इनाम दे दिया जाएगा। ये इस पैराग्राफ की अंग्रेजी का ये मतलब है। जिन्होंने ट्राई किया इस अंग्रेजी में बताएं, कोई पढ़ के ना समझ आई हो बात। जिस वर्कर की भी सजेशन अच्छी लगी उस वर्कर की सजेशन को मान के लेबर कॉस्ट में जितनी सेविंग्स हुई, सेविंग से मुराद लेबर कॉस्ट में सेविंग से क्या मुराद है कि पहले अगर इस सजेशन से पहले अगर लेबर कॉस्ट हुआ करती थी पर मंथ 3 लाख, ऐसी खुद ही बना रहा हूं फिगर, और अब इसकी सजेशन मान के 220 हुआ करेगी तो 80,000 रुपए पर मंथ बच गए इनटू 3, 3 महीने की सेविंग्स के बराबर उस वर्कर को इनाम दे देंगे। ये इस पैराग्राफ का मतलब है, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ, जब ये वर्कर से सजेशन मांगी तो एक वर्कर ने सजेस्ट किया कि एक इलेक्ट्रिक कटर मिलता है आप वो खरीद लें, उसकी लाइफ होती है 1 साल, 1 साल तक चलता है बस, उसके अलावा वो अगले साल दोबारा खरीदना पड़ेगा। अगर आप वो इलेक्ट्रिक कटर खरीद लें तो उससे क्या होगा कि जो एक यूनिट बनाने में वर्कर्स टाइम लगाते हैं, नहीं, एक यूनिट बनाने के लिए जितना टाइम लगना चाहिए स्टैंडर्ड, एक तो वो भी कम हो जाएगा, उसके अलावा वर्कर की एफिशिएंसी भी बेहतर हो जाएगी। और ये कटर 15,000 रुपए का मिला करता है। ये लास्ट पैराग्राफ की अंग्रेजी। रिक्वायरमेंट ए, रिक्वायरमेंट ए में पूछा है कि बताएं वर्कर को बोनस कितना देना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे पूरे अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने पे लेबर कॉस्ट क्या होती है, और अगर उसकी सजेशन मान लें तो लेबर कॉस्ट क्या होगी, इसमें जो सेविंग है पर मंथ इनटू 3, ये है रिक्वायरमेंट ए। तो अभी इस वक्त कितनी लेबर कॉस्ट आती है ये तो कैलकुलेट कर लिया कि ₹7 पर आर है, तो टोटल कैसे कैलकुलेट करें, जितने आर्स लगने चाहिए या जितने लगते हैं, जितने लगते हैं। तो ये वही जो उस दिन सवाल में काम किया था कि अभी इस वक्त कितने एक्चुअल आर्स लगते हैं, ये 65% एफिशिएंसी वाले फार्मूले से कैलकुलेट होगा। स्टैंडर्ड दिया हुआ है एफिशिएंसी 65% है, एक्चुअल आर्स निकालेंगे इनटू 7 रुपए, ये एग्जिस्टिंग लेबर कॉस्ट है। और रिवाइज्ड टाइम कैसे निकालें, एग्जिस्टिंग एफिशिएंसी है 65%, स्टैंडर्ड टाइम है 2.6 डिवाइडेड बाय एक्चुअल पता नहीं, यहां से अभी वाला एक्चुअल निकलेगा कितना 4 इंटू 25,000, 1,00,000 आर्स इंटू 7 रुपए का 1 आर, तो 7,00,000 रुपए अभी इस वक्त लेबर कॉस्ट आती है। अगर इलेक्ट्रिक कटर ले आएंगे तो एक तो एफिशिएंसी 65 की जगह 80 हो जाएगी, जो स्टैंडर्ड टाइम उस वर्कर को दिया करते हैं 2.6 अब वो भी कम होके इतना रह जाएगा। ये 0.8, ये वाला 0.8 नहीं, ये अलहदा है और ये लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड टाइम को भी 20% कम कर लेंगे हम। अब ये स्टैंडर्ड भी चेंज, एफिशिएंसी भी चेंज, तो अब उसका एक्चुअल क्या होगा, ये निकलेगा 2.6 इंटू 25,000 इंटू 7 रुपए 4,55, तो ये निकलेगी साल की सेविंग इंटू 3/12 करेंगे तो ये उस वर्कर को देने वाला इनाम निकल आएगा। ये था रिक्वायरमेंट का पार्ट ए। जी जिन्होंने ट्राई किया है पार्ट ए में बताएं क्या पूछना है। हाँ जी पार्ट ए, जिनसे ट्राई करने पे भी नहीं हुआ बताएं बेटे इसमें क्या मसला है और क्या चीज है जो नहीं समझ आई। कोई मसला नहीं है, चल पार्ट बी। पार्ट बी उन्होंने कहा है कि पूरे साल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल दें और नेट सेविंग्स, किस बात की नेट सेविंग्स, यानी जो अभी इस वक्त साल के 25,000 यूनिट्स बनाने का टोटल खर्चा आता है मटेरियल लेबर एफओएच, और अगर सजेशन मान के चलें तो जो खर्चा आएगा उनका जो डिफरेंस है वो सेविंग है। ये पार्ट बी में पूछा हुआ है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट तो चलो जो भी आप सॉल्व कर रहे होंगे स्टेटमेंट ही बना रहे होंगे। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
यानी एक साल में 25,000 यूनिट्स बनाने की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी, मटेरियल, लेबर, एफओएच, और नेट सेविंग्स यानी जो पहले होता था और अब जो होगा उसमें जो डिफरेंस है। ये पार्ट बी की रिक्वायरमेंट है। मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, लेबर तो इनफैक्ट हमने निकाल लिया, बोनस खुद निकाल लिया, एफओएच वेरिएबल भी दिया हुआ है, फिक्स्ड भी दिया हुआ है, और 15,000 रुपए का कटर आएगा, ये भी साल का एक एक्सपेंस है, रिवॉर्ड भी। हाँ जी बताइए और मसले। चले बाकी इस लेबर में से बहुत है, अब और मजीद कुछ करने वाला नहीं है। कल पता नहीं मैंने कहा था कि नहीं कहा था, ये क्वेश्चन 8 जो है ना इसका ट्राई लिमिटेड, ये अभी नहीं करना, ये मैं खुद करवाऊंगा और डिसीजन मेकिंग पढ़ाते हुए कराऊंगा। बस लेबर डन, बहुत है, हैं? हाँ जी यही कर लें, बस बहुत है। वैसे तो प्रोसेस में चल पड़ेंगे तो पर ये तो भूल ही जाएंगे। कल मैंने प्रोसेस में एंड किया था एक फार्मूला बना के, सवाल लिखे, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस वन फॉर द मंथ ऑफ मई, जी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है जी। हाँ हाँ, जहां एंड किया था 2.1 लिखा था मैंने, फॉर्मूला लिख के दिया था, जहां एंड किया था बस वहीं से आगे बढ़ रहा हूं। मैंने 2.1 बनाया था कि जितना लॉस सोचा था उतना ही हुआ, और इसमें कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला बना के दिया था, टोटल मटेरियल, टोटल कन्वर्जन माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स आउटपुट। तो अब उसी के लिए एक सवाल लिखवा रहा हूं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस वन फॉर द मंथ ऑफ मे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट $200,000, 2 लाख रुपए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, मतलब क्या मतलब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इतने रुपए कॉस्ट मटेरियल यूज हुआ है, परचेज नहीं, यूज, क्या मतलब यूज हुआ है, प्रोसेस में इन हुआ है, मटेरियल प्रोसेस में इन हुआ है। तो इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए $15,000 units, $15,000 units, ये क्या चीज हुई, 15,000 units, ये इनपुट है क्योंकि मटेरियल ही है ना जो इन हो रहा है, ये मैंने मटेरियल के यूनिट्स बताए हैं तो मटेरियल ही है जो इन हो रहा है, तो ये इनपुट के यूनिट्स हो गए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट $120,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, FOH is applied, at 60% of direct labor cost. FOH is applied at 60% of direct labor cost. Normal loss 10% of input. Normal loss 10% of input. Units completed and transferred out. Units completed and transferred out. ये क्या चीज होगी? Output. Units completed and transferred out 13,500. Recovery value of defective units. ये recovery value, scrap value एक ही बात है. Recovery value of defective units. ₹9 per unit. कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर दें, कॉस्ट पर यूनिट आप कैलकुलेट कर दीजिए,
हाँ जी मटेरियल कॉस्ट कितनी 2 लाख लेबर 120 एफओएच 72 माइनस 1500 इनटू 9 रुपए डिवाइडेड बाय 13500। अच्छा ये 13500 और है और ये इत्तेफाक से 13500 और है कितना आया 28.04। सारे ठीक है सबसे देखे ना आसान सी है प्रोसेस कॉस्टिंग 28.04 डन। यानी इस प्रोसेस में इन हुए कितने 15,000 यूनिट्स और हमने सोचा था कि 1500 जाया होंगे तो 1500 ही हुए और कामयाब होके अगले प्रोसेस में चले गए 13500 यूनिट्स फाइनल प्रोडक्ट बन गए। नहीं यहां से अगले प्रोसेस में गए हैं फिर इस प्रोसेस में जो टोटल खर्चा आया मटेरियल लगा 2 लाख कन्वर्जन खर्च हुई 192 तो इतने खर्चा लगाने पे इतने यूनिट्स जाया हुए और इतने बन गए और इन यूनिट्स पे भी तो कोई खर्चा लगा होगा ना कि नहीं। इन मटेरियल है ये 1500 यूनिट मटेरियल के इन हुए थे तो मटेरियल कॉस्ट इनके ऊपर इनकर हुई है कन्वर्जन लगी हुई है लेकिन इन सबके खर्चे भी इसी पे क्यों फैला रहे क्योंकि ये नॉर्मल है यानी इनकी कुर्बानी जरूरी थी इतने बनाने के लिए। ये मैनेजमेंट ने खुद ही स्टैंडर्ड सेट करना होता है कि कितने यूनिट्स लाजमी कुर्बान होने होते हैं ये नॉर्मल लॉस है और असल में इस महीने में इतने ही हुए इसलिए दिस डिवाइडेड बाय दिस यही इनकी सही पर यूनिट कॉस्ट है। ये किया अभी हमने। अगर ऐसा होता कि सोचे तो थे 1500 लेकिन एक्चुअली जाया हो गए चलो 2000 कर लेते हैं यानी कितने बने 13000। तो क्या अब हमें दिस डिवाइडेड बाय 13000 करना चाहिए? नहीं बने 13000 है 2000 असल में जाया हो गए 13000 बन सके तो डिवाइडेड बाय 13000 करना चाहिए लेकिन बने तो 13000 है। लेकिन अगर हम अब 13000 से डिवाइड कर लें यानी जितने बने उनसे डिवाइड कर लें तो फिर नॉर्मल लॉस का फायदा क्या? फिर नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट ही क्यों था? तो नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट ही इसलिए बनाया था कि पर यूनिट कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि जितने यूनिट जाया होने चाहिए थे बस उतने ही हुए यानी पर यूनिट कॉस्ट 13000 नहीं 13500 से ही कैलकुलेट होगी जबकि असल में तो नहीं बने 13500 लेकिन पर यूनिट कॉस्ट फिर भी 13 की बजाय इनसे कैलकुलेट होगी बल्कि ऐसे कह लेता हूं कि 13 प्लस 500। और इसका मतलब यह होगा कि इतने रुपए वाले इतने यूनिट्स इतनी कॉस्ट वाले इतने यूनिट्स यहां से कामयाब होकर अगले प्रोसेस में चले गए और इतनी ही पर यूनिट कॉस्ट वाले इतने यूनिट्स डैमेज हो गए कूड़े में चले गए P&L एक्सपेंस। दोबारा सुनिए नॉर्मल लॉस का ना कॉन्सेप्ट ही इसलिए बनाया गया है कि पर यूनिट कॉस्ट स्टेबल है वरना कभी ज्यादा यूनिट्स जाया हो जाएंगे यानी थोड़े बनेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट उन दिनों में ज्यादा आ जाएगी कम आ जाएगी। अगर किसी महीने में लॉस ज्यादा हो गया कम यूनिट्स बने तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती
हमें लगता बड़े महंगे बनाए हैं। इसी महीने में यूनिट्स बहुत कम जाया होते, बंद ज्यादा जाते तो उस महीने की कॉस्ट पर यूनिट कम आ जाती है, हमें लगता बड़े सस्ते में बना लिए। ये जो इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, इससे बचने के लिए मैनेजमेंट ने एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि कितने यूनिट्स जाया होने बनते थे। अब जितने जाया होने बनते थे उसी के हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट होगी, चाहे उससे कम जाया हो चाहे ज्यादा जाया हो, पर यूनिट कॉस्ट को स्टेबल कर दिया जाएगा। वरना कम ज्यादा जाया होने से पर यूनिट कॉस्ट इतनी फ्लक्चुएट करती कि बिजनेस सेल प्राइस ना डिसाइड कर पाता। इसलिए कॉन्सेप्ट है नॉर्मल लॉस का। तो अभी इस सवाल में जो मैंने जो नीला नीला सॉल्व किया है, मैंने कहा कि अगर 1500 की बजाय 2000 जाया हो गए होते, ये भी समझ लें, अभी सारी अंग्रेजी लिखवाता हूं, अगर 2000 जाया हो गए होते यानी 13000 बने होते, फिर भी पर यूनिट कॉस्ट निकालते हम यहां क्या करते, 13500, क्योंकि अगर 13000 से डिवाइड कर देते तो फिर पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आ जाती ना। तो अगर यही करना था कि जितने बन रहे हैं उनसे डिवाइड, तो फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं था नॉर्मल लॉस का। तो नॉर्मल लॉस का तो कॉन्सेप्ट ही इसलिए बनाया है कि पर यूनिट कॉस्ट में इतना लॉस बिल्ड हो जाए जितना लॉस हमने सोचा है स्टैंडर्ड। तो इसलिए इस डिनोमिनेटर में 13 की बजाय 13500 रखने का ये मकसद होगा। क्या इसका आंसर फिर यही निकलेगा? और अब इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि 13000 यूनिट्स इतनी पर यूनिट कॉस्ट वाले प्रोसेस वन से आउट होकर प्रोसेस टू में चले गए, और 500 यूनिट्स भी इतनी ही कॉस्ट, यानी ये अपना वजन खुद उठा रहे हैं, जो नीचे आ रहा है वही ऊपर वजन उठा रहा है ना। तो ये इतनी ही कॉस्ट वाले, यानी इनकी पर यूनिट कॉस्ट भी यही है, लेकिन इतने यूनिट्स खराब हो गए और वो फेंक दिए और एक्सपेंस बन गया। जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में ना डबल एंट्रीज पढ़ाई थी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो स्टोर में से खराब चीजें निकाल के फेंक रहे हैं, तो P&L डेबिट इन्वेंट्री, P&L डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, और अगर 10-20 रुपए मिल जाए उसको बेच के तो कैश डेबिट, और अब जो नेट है वो P&L में, ये काम किया हुआ है पहले। तो अब अगर जितने सोचे थे उससे ज्यादा जाया हो गए, 2.2 एक्चुअल लॉस ज्यादा है नॉर्मल लॉस से। लिखा था कल मैंने कि जितना लॉस सोचा था असल में भी उतना ही हुआ, अब मैं बता रहा हूं कि जितना सोचा था उससे ज्यादा जाया हो गए। 1500 सोचे थे, 500 जाया एक्स्ट्रा हो गए, इस 500 को कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। पांच सौ जो है ना उनको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। हमारी पर यूनिट कॉस्ट सही कैलकुलेट हो जाए, जितना हम स्टैंडर्ड रख रहे हैं कि इतने यूनिट्स जाया होने चाहिए उस हिसाब से हमारी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो। अपनी पर यूनिट कॉस्ट को स्टेबलाइज करने के लिए हम नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। अच्छा, ये एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा है, तो जितने ज्यादा जाया हो रहे हैं वो नॉर्मल लॉस। अच्छा, एक मैं चीज अंडरस्टूड समझ रहा हूं, वैसे मेरे ख्याल में समझा सका के नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में क्वांटिटी का फर्क है, यानी फिजिकल हालत का फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल लॉस है वो थोड़े से सड़े हैं और जो बिल्कुल ही सड़ बुझ गए हैं वो एबनॉर्मल है, नहीं, फिजिकली एक जैसे डैमेज है। बस सोचा था 500 खराब होंगे, 700 खराब हो गए, तो वो जो 200 ज्यादा खराब हो गए वो एबनॉर्मल है। तो ये जो नॉर्मल और एबनॉर्मल का मसला है, ये क्वांटिटी का मसला है, ठीक है ना। ये नहीं कि जो ज्यादा बिल्कुल ही टूट गए हैं वो एबनॉर्मल है, जो साबुत थोड़े थोड़े से नॉर्मल है, बिल्कुल ही फारिग है तो सारे ही बिल्कुल फारिग हैं, थोड़े से खराब हैं तो सारे थोड़े से खराब हैं। तो नॉर्मल एबनॉर्मल सिर्फ तादाद का फर्क है। कॉस्ट पर यूनिट के फार्मूले में बताएं क्या बना लूं फार्मूला, ये जो कल सिखाया था बता दें इसमें क्या कर लूं। टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस टोटल कन्वर्जन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, रिकवरी वैल्यू, एक ही बात है। स्क्रैप वैल्यू किसके, कितने की, अब भी नॉर्मल की या नहीं,
एक्चुअल की क्या नॉर्मल की डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस एबनॉर्मल की जो 1500 सोचे थे 2000 जाया हो गए, ऊपर रिकवरी वैल्यू किसकी माइनस करूं 1500 की के 2000 क्यों नॉर्मल? अरे भाई अभी तो बताया हम लोग पर यूनिट कॉस्ट इसी बेस पे कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जितने होने चाहिए थे उतने ही जाया हुए, तो अगर उतने ही जाया हुए तभी तो हम नीचे पूरे 13000 की बजाय 13500 लाना चाह रहे हैं। हम नीचे 13500 ला रहे हैं कि 13000 ला रहे हैं? 13500, तो फिर ऊपर रिकवरी भी तो नॉर्मल की ही रखनी। यही तो मकसद है सारे काम का कि हम अपनी कैलकुलेशन इसकी बेस पे करें कि बस जितना नॉर्मल लॉस सोचा था उसी हिसाब से देखें पर यूनिट कॉस्ट कितनी, उसको कहां फिट करेंगे। अभी कर देते हैं फिट। ये यहां फिट हो गया। शेल बी recognized as expense in P&L, जितना खर्चा इनकी कॉस्ट है वो कैश जो इनको बेच के मिल जाएगा नेट करके बाकी एक्सपेंस है। क्या जी, इन्वेंटरी वैल्यूएशन वाले चैप्टर में जब एंट्रीज बताई थी तो यूनिट्स खराब हो गए, फिनिश गुड्स खराब हो गई, तो इन्वेंटरी क्रेडिट P&L डेबिट, लेकिन अगर उनको 10-20 रुपए का बेच लिया तो कैश डेबिट और बाकी P&L, तो बाकी कैसे? कॉस्ट और कैश का डिफरेंस ही ना, यही मैंने यहाँ कहा जी। नहीं समझ आई, चले सवाल लिखे। Following information relates to process 1 for the month of May. Direct material cost. ₹150,000, 1.5 lakh rupees. ब्रैकेट में लिखें 12,000 units. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,00,000. एक्चुअल एफओएच 92,000. Normal loss. Five percent of input. FOH is applied at 85%, 85% of direct labor cost.
FOH is applied at 85% of direct labor cost. हाँ जी, हाँ, अरे भाई तो दो दो FOH हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, लिख के आ गए. Scrap value of defective units, scrap value of defective units, scrap value of defective units. ₹5 per unit. Output. 11,050. 110. 110.50. 110.50. रिक्वायर्ड है आपसे कॉस्ट पर यूनिट और दूसरी रिक्वायरमेंट है टोटल अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L. एक रिक्वायरमेंट है कॉस्ट पर यूनिट और दूसरी रिक्वायरमेंट है टोटल अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L. अच्छा, पूरी कॉस्ट में ना मैं आपको बहुत सारी चीजें तो खैर बोर्ड पे और हेडिंग्स देके कहूंगा, उसके अलावा काफी सारी नसीहतें किया करूंगा, काफी सारे टिप्स बताया करूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नसीहतें, डिफरेंट नाम लूंगा, वो लिखा कीजिएगा और ऐसे उनको को डब्बा छब्बा बना के कुछ टैरिक लगा के लिखें कि जब आप पेजेस पलट रहे हो तो उठ के बाहर आए कि मैं पढ़ू. तो एक नोट लिखें, कोई इंग्लिश में बताऊंगा, कोई उर्दू में बताऊंगा, जैसे मर्जी आप लिख लेना, जहां मर्जी लिख लें, बस आपके रजिस्टर में होनी चाहिए ये बातें. ये मुख्तलिफ चैप्टर में मुख्तलिफ मौकों पे मैं आपको नसीहतें लिखवाता रहूंगा. बस जिस जिस टॉपिक में चल रहे होंगे उसके हिसाब से लिखवाता रहूंगा. पहली बात तो ये लिख लें कि ये जो स्क्रैप वैल्यू है, ये मैंने आपको ये तो नहीं बताया कि ये नॉर्मल लॉस के लिए है कि एबनॉर्मल लॉस के लिए है. मैंने कहा ₹5 per unit है डिफेक्टिव के लिए, तो वो सबके लिए, क्योंकि अभी बताया था कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस कोई फिजिकल डिफरेंट चीज नहीं है, फिजिकली तो वो एक जैसे खराब है, बस तादाद का फर्क है. तो जो स्क्रैप वैल्यू है वही नॉर्मल लॉस के लिए भी होती है, वही एबनॉर्मल के लिए भी होती है. जो स्क्रैप वैल्यू है वही नॉर्मल लॉस के लिए भी है और वही एबनॉर्मल के लिए भी है. और दूसरी नसीहत ये लिख लें, और इसकी रीजन बताऊंगा जब आपको डबल एंट्रीज आपके ना ये कॉस्ट में प्रॉपर को दो सेपरेट टॉप एंट्रीज के, लेकिन इस चैप्टर में भी थोड़ी सी एंट्रीज करानी है मैंने आपको, तो रीजन तब बता दूंगा, अभी बस बगैर रीजन का ये रट्टा लगा लें जो दूसरी नसीहत बताने लगा हूं कि इन कैलकुलेशन के अंदर ना जो FOH यूज करनी है, अगर एक्चुअल और अप्लाइड दोनों अवेलेबल हैं तो अप्लाइड वाली यूज करनी है. क्यों करना है ऐसा, इसकी वजह जब डबल एंट्रीज पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में तो बताऊंगा, अभी बस बगैर वजह के. इन कॉस्ट कैलकुलेशन के अंदर जो FOH यूज करनी है, देखें अगर तो गिवन ही एक होती तो फिर तो मसला ही नहीं था ना, ये मसला ही कब आ रहा है जब दोनों हैं, तो अप्लाइड FOH यूज करनी है. हैं जी, हाँ हाँ इग्नोर कर दें, ये जो कॉस्ट कैलकुलेशंस कर रहे हैं इनके लिए कहा है कि एक्चुअल और अप्लाइड अगर दोनों दिए हैं तो आपने अप्लाइड FOH को यूज करना है. क्यों बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, जब डबल एंट्रीज पढ़ाऊंगा इस चैप्टर की तब बताऊंगा. चलें करें सवाल. Thank you.
वालेकुम सलाम जी खान साहब, कब वो गाड़ी लेनी है? नहीं, मैं 55T में हूँ अभी, मैं तो क्लास में हूँ जी। अच्छा चले, ठीक है ठीक है, सलाम अलैकुम। चले ठीक है जी, ठीक है, सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, सवाल कर यार, सवाल कर, सवाल सर। कॉस्ट पर यूनिट को बिना नॉर्मल के लिए सेम, किसके लिए, किससे सेम? सर वो जो पीएनएल में डालेंगे, यानी जो बनाए हैं, जो कंप्लीट हो गए हैं, जो नॉर्मल लॉस है, हां सबकी पर यूनिट सेम है? नहीं नहीं, जो आपने फॉर्मूले का फॉर्मूले ये बताया था ना, कॉस्ट नॉर्मल लॉस, हां तो जो इस फॉर्मूले का आंसर निकला वो -5 रुपए। कान में क्या लगा? क्लास पढ़े हो यार, क्लास पढ़ो। अस्सलामुअलैकुम सर, अल्लाह का शुक्र। दाढ़ी रख रहे हैं आप हैं? जी। हैरियत? बस आपका नशे का नहीं क्या है? कि बूढ़े होकर दाढ़ी रख लें? डायरेक्ट मटेरियल 150, कन्वर्जन 185,000, माइनस नॉर्मल लॉस कितना? नॉर्मल लॉस 600 इंटू 5 रुपए का एक 11050, अब नॉर्मल कितने? 350 ऐसे के 12,000 इनपुट थे, इसमें से इतने तो जाया होने ही थे, लेकिन अगर बने हैं इतने तो मजीद 350 जाया हुए हैं, तो इतने बने, ये एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। अच्छा जरूरी नहीं है कि आप एबनॉर्मल लॉस इस फार्मूले से निकालें, ये तो मैंने सिर्फ एक रिलेशन बताना था। एबनॉर्मल लॉस का मतलब है जितने नॉर्मल से ज्यादा जाया हुए, तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, बल्कि अभी जब मैं आपको वर्क इन प्रोसेस पढ़ा दूंगा ना तो ऐसे ही निकाला करेंगे, ऐसे ही कैसे ही, ऐसे ही कैसे ही, ऐसे ही, हाँ जी ऐसे ही, जितने इन है इतने जाया हो गए माइनस, तो बाकी बनने चाहिए थे, लेकिन अगर इतने बने हैं तो उसका मतलब इतने एक्स्ट्रा जाया हुए हैं। क्या बना आंसर? 0.12 नहीं, यही है। और टोटल एबनॉर्मल लॉस जो पीएनएल में जा रहा है 29.12, तो उनकी कॉस्ट है, लेकिन माइनस 5 रुपए इंटू 350 जी।
8442 इतना है जो पीएनएल में एक्सपेंस आएगा। अच्छा यहाँ असल में तो 950 जाया हुए हैं, यहाँ 600 क्यों? क्योंकि ना हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट ही इसलिए बनाया है कि हम पर यूनिट कॉस्ट इस हिसाब से कैलकुलेट करें कि जैसे उतने ही जाया हुए जितने होने चाहिए थे। तो अगर उतने ही जाया हुए तो फिर ये भी तो उतने ही की आएगी ना, वरना अगर हमने ये जितने एक्चुअली जाया हुए उतने क्यों लेना है ऊपर, तो फिर डिनोमिनेटर में भी हम 11050 ही कर लें फिर। तो हमने नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट बनाया ही कॉस्ट पर यूनिट को ठीक निकालने के लिए, तो इसलिए ऊपर नॉर्मल लॉस ही होगा। हाँ जी वैल्यूज सबसे, अब ये बिल्कुल शुरू शुरू है, अभी बहुत सारे मोड आने प्रोसेस कॉस्टिंग में। यहां तक सब कायम है ना? हाँ तो इन्होंने भी तो कहीं जाना ही है ना, ये अपना वजन खुद ही उठाएंगे और खुद ही अपना वजन लेके कूड़े में जाएंगे। यानी जितना खर्चा हुआ उसमें से ये यूनिट्स भी बने और ये जाया भी हुए, ये भी और ये भी, एक यूनिट इतने का पड़ा, दिस इंटू दिस प्रोसेस टू में चला गया, दिस इंटू दिस पीएनएल में चला गया। अच्छा कितने जाया होने चाहिए थे? 600, यानी कितने बनने चाहिए थे? 11400, तो ये हमने 11400 ही लिखा हुआ एक्चुअली, यानी हम पर यूनिट कॉस्ट ऐसे ही निकाल रहे हैं जैसे उतने ही बने जितने बनने चाहिए थे, 11400 लिखा हुआ है। अच्छा अगर 11700 बन जाते, 11700 बन जाते अगर, तो क्या करते? नहीं बनाते, 11700 बन गए तो अब डिनोमिनेटर में क्या रखो? ये मैंने ना अभी 11400 रखे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि अगर 11700 बन जाते तब भी यहां 11400 या फिर 11700 कर, ग्यारह सात सौ क्यों? हाँ तो फिर हमें फिर जब कम बने थे तो फिर डिवाइड भी कम से करना चाहिए था, तो 11700 रखें, 11400 डिवाइड 11400 से ही होगा। और अब ये 2.3 बन गया कि एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से कम है। सोचा था कितने जाया होंगे? 600, लेकिन कितने जाया हुए? तो वो जो 300 जाया नहीं हुए उसको कहते हैं एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन होता है जितने जाया नहीं हुए। अच्छा इधर बताएं कहां क्या क्या चेंज करूं, इधर क्या चेंज करूं, माइनस कर देंगे एबनॉर्मल गेन वाले, इधर क्या करूं, बस खत्म ही कर दूं, यानी डिवाइड बाय आउटपुट, यानी डिवाइडेड बाय 11700 माइनस एबनॉर्मल गेन के यूनिट, ताकि वो 11700 फिर 11400 पे ही आ जाए। ऊपर क्या चेंज करूं? कुछ भी नहीं, तो फिर ये ना करो ऐसा, ऐड कर दो। अच्छा एबनॉर्मल लॉस की जगह एबनॉर्मल गेन हो गया, उलट हो गया ना, तो इधर प्लस इधर माइनस कर दिया, इधर माइनस था इसको प्लस कर दो, ये ऐसे था इसको ऐसे कर दो, ये ऐसे लिखा हुआ था ऐसे लिख दो, उल्टे हाथ से लिखना शुरू कर दो, ये ऐसे रहेगा नॉर्मल लॉस। अच्छा चले यहाँ क्या करो, इधर क्या करो, गेन डाल देते हैं, ये होगा कि नहीं, ये नहीं होगा, स्क्रैप वैल्यू नहीं होंगे, गेन है तो उसकी स्क्रैप वैल्यू क्यों होगी? अच्छा
एक्सपेंस है तो उसको क्या करूं, इनकम बना दो, सेल्स नहीं, सेल्स नहीं, इनकम बना दो, ये नहीं सही, या स्क्रैप वैल्यू नहीं आएगी, ये ऐसे ही होगा, ये स्क्रैप वैल्यू ही होगी, यानी वही पांच रुपए ही होगी, इधर भी ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही होगा, क्यों? चलो कॉस्ट पर यूनिट एग्रीड, ये क्यों भाई? नहीं, एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट और एबनॉर्मल गेन की स्क्रैप वैल्यू, एबनॉर्मल गेन की स्क्रैप वैल्यू भी होगी। चले सोचे खुद ही सवाल लिखे, हैं जी, सोचे खुद ही, फाइनल देखें पहले, फिर बताऊं, अगर जीत गया पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो बता दूंगा, नहीं तो करना तो ऐसे ही है। सवाल लिखें, बल्कि सवाल क्या लिखना है, सेम डाटा इज इन प्रीवियस क्वेश्चन, सेम, बस सिर्फ एक्चुअल प्रोडक्शन जो मैंने 11050 बताई थी उसको 11800 कर लें, सेम डाटा, सब सेम, सारा डाटा सेम है। अच्छा उसी सवाल को ही ना बदल दें, वो तो एक सवाल सॉल्व है ना, नया क्वेश्चन लिखें कि सेम डाटा एज इन प्रीवियस क्वेश्चन एक्सेप्ट आउटपुट अब 11800 है, और रिक्वायरमेंट में क्या करूं चेंज, अमाउंट एक तो मैंने पूछी कॉस्ट पर यूनिट, अच्छा और क्या पूछा, टोटल अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम, है जी, सारा सवाल सेम है, सिर्फ आउटपुट मैंने 11050 की जगह कहा 11800 कर लें, और रिक्वायरमेंट में सिर्फ एक वर्ड बदल रहा हूं, टोटल अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस पूछा था ना, तो पूछ रहा हूं टोटल अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन, करें करें ऐसे कर लेंगे आप ऐसे, अच्छा चले बैग बंद कर लिया तो बंद कर लें यार, बंद कर, कल को बात हुई थी बदले वाली बात, अच्छा जी 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 क्लास खत्म है, जाइए जिसने जाना है। अच्छा हजारों से कर लेते हैं भाई, कट ऑफ कर लिया, कट ऑफ तो ख्याल आया कि नहीं कट ऑफ करना अच्छी बात नहीं थी, फिर माफी मांगी, माफी मांगी, मैं माफी मांगू, नहीं नहीं माफी नहीं मांग सकता, फिर कट ऑफ शुरू, चलो फुपा ने माफी मांग ली, आगे दोबारा शुरू हो गया, अच्छे ताल्लुक दोबारा शुरू हो गए, लेकिन हम अच्छी तरह बात कर रहे हैं, वो सही तरह बात ही नहीं कर रहे, दफा करो पहाड़ में जाए, है यस सर, अच्छा नॉर्मल गेन से निकलेगी बात बाहर, अब खत्म हो गया, मैं ये बता रहा हूं कि अगर रिश्तेदार अच्छे से नहीं बात कर रहे, मुंह बनाते हैं आगे से, तो फिर अच्छा सलूक रहने दें,
है, भाई इज्जत नफ्स भी होती है कोई इंसान की, हम उनके मुश्किलों में काम आ रहे हैं, वो मिताने मारते हैं, वो बीमार होते हैं, हम पैसे लेके पहुंच जाते हैं उनकी बीमारी में सपोर्ट करने के लिए, वो फिर जलील कर देते हैं हम, ऐसे क्या फायदा रिश्तेदारी होगा ना। क्योंकि अगला अच्छी तरह बात करे तो अच्छी तरह बात करे ना, तो अगर वो अच्छी तरह बात ही नहीं कर रहे, वो बार बार बेइज्जती कर देते हैं। अच्छा मैंने ना कल भी ये बात शायद मुझे लगता है क्लास में की थी कि मोस्टली इंसानों के अंदर अगर कोई नाराजगी भी है ना, लेकिन अगर किसी मुश्किल वक्त में साथ आके खड़े हो जाएंगे ना, सारी नाराजगियां दूर हो जाती हैं। अगर अगर मैं अपने किसी रिश्तेदार से कट ऑफ किया हुआ है, नाराज हूं, और बेशक उसकी गलती है, तो मुझे अंदर से ना एक चीज खींचेगी कि नहीं मैंने पहल नहीं करनी, ये तकब्बुर हो रहा है, ये तकब्बुर हो रहा है, मैंने पहल नहीं करनी, वो आएगा छोटा है मुझसे बात करेगा तो मैं बात करूंगा, ये तकब्बुर हो रहा है अंदर। कोई पहल कर ले सही, मैं कर लेता हूं पहल। अच्छा अब इस पे मुस्लिम 6525 सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने सरवायत है कि एक आदमी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे सिला रहमी करता हूं और वो मुझसे कत्ता तालुक करते हैं, मैं उनसे अच्छा सलूक करता हूं और वो मुझसे बुरा सलूक करते हैं, मैं उनसे तहम्मुल और बुर्दबारी से पेश आता हूं और वो मेरे साथ नादानी से पेश आते हैं। अब ये देखें अपोजिट बिहेवियर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तो ऐसा ही है जैसा तू कहा है, तो गोया तू उनके मुंह में गर्म राख डाल रहा है, यानी वो उनके लिए आखिरत खराब हो रही है, और उनके मुकाबले में तेरे साथ हमेशा अल्लाह की तरफ से एक मददगार रहेगा जब तक तेरा यही रवैया रहेगा। तो ये जो मैं अगर रिश्तेदारों की मदद में आगे बढ़ रहा हूं, उनकी मुश्किलों में काम आ रहा हूं, उनको कोई फाइनेंशियल मसले में सपोर्ट कर सकता हूं, मैं फाइनेंशियल मसले में सपोर्ट कर लूं, उनकी खुशियों में खुश होकर उनको दुआएं दे रहा हूं या उनकी खुशियों को और उनकी तारीफ कर रहा हूं, उनका दिल दुख हुआ दिल आजारी कर रहा हूं, इस सब के बदले अगर मुझे अच्छा बिहेवियर नहीं मिल रहा, तो मेरा रोल मेरे साथ, उनका रोल उनके साथ, मेरे रोल पे मुझे जज किया जाएगा अल्लाह की तरफ से, उनका रोल उनका मसला है। तो अगर वो आगे से बुरा मिल रहे हैं कोई बात नहीं, मेरा काम सिला रहमी करना है। तो जब तक तू ऐसे ही करता रहेगा, तेरे साथ अल्लाह की तरफ से एक मददगार रहेगा। मंडे को मुलाकात होगी जी वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद।